पार्टियों से हम उम्मीद कर रहे थे कि वो भी हमारी आवाज में अपनी आवाज मिला के बात करेंगे, वो भी खामोश। अफसोस हुआ मुझे आज अखबार में एक खबर पढ़ के। मैं इज्जत करता हूं जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की, वजीर आला रहे हैं जम्मू कश्मीर की, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं। कल उन्होंने कश्मीर में किसी एक जलसे में कहा कि अब 370 पर बात करना ही फजूल है, ये क्या अब ये वापस नहीं आएगा, छोड़ दो। क्या हो गया आप? 370 अगर हमारी विरासत है तो 370 उससे ज्यादा कांग्रेस की विरासत है। 370 अगर आया तो वो इस मुल्क के सबसे पहले वजीर आजम नेहरू साहब की बदौलत। अब कांग्रेस वाले अपनी विरासत को बचाने के लिए तैयार नहीं तो फिर दूसरों को क्या बचाएंगे वो? और क्या पहले से ही फैसला कर लिया कि अदालत का क्या फैसला होगा? अभी तो अदालत में सुनवाई शुरू होनी बाकी है और हमें लगता है कि हमारा केस जो है बहुत मतलब मजबूत है, बहुत मजबूत है, लेकिन इन लोगों ने पहले ही हार मान लिया और कहा कि इस पर बात करना फजूल है। अरे क्यों? हमारा सारा कुछ तो इसी से जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, इनकी पढ़ाई, इनका तालीम, इनका रोजगार, हमारी जमीनें, जो लैंड टू टिलर की बात होती है, जो यहां जमीनों के मालिकाना हक लोगों को दिए बिना एक नया पैसा उनसे लिए हुए, वो मुमकिन ही नहीं होता अगर 370 नहीं होता। लेकिन वो लड़ाई ये लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं। कोई बात नहीं, अब हम अकेले ही लड़ेंगे।